बीते हरदोई में निलंबित सिपाही अपने परिवार के साथ थाने में धरने पर बैठ गया है। निलंबित सिपाही ने प्रभारी निरीक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि निलंबित सिपाही कोतवाली में ही 12 दिन पूर्व पुलिस लाइन से हरपालपुर स्थानांतरित किए गए हैं। सिपाही को पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित करने के बाद सिपाही रमेश यादव पत्नी व अपने बच्चे के साथ थाने में धरने पर बैठ गए हैं। निलंबित सिपाही रमेश यादव का आरोप है कि हरपालपुर कोतवाली में तैनाती के बाद से अब तक उसे कोई ड्यूटी नहीं दी गई, थाने में आवाज भी नहीं दिया गया। उसने प्रभारी निरीक्षक हरपालपुर शैलेंद्र श्रीवास्तव पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है। करीब 3 घंटे चले हाई प्रोफाइल ड्रामे के बाद जानकारी मिलने पर कोतवाली हरपालपुर पहुंचे। सीओ हरपालपुर विजेंद्र द्विवेदी ने पीड़ित सिपाही व उसकी पत्नी से बातचीत की। इसके बाद धरने पर बैठे सिपाही को समझा बुझाकर समस्या का निस्तारण करने का आश्वासन देकर धरने से हटाया गया। सीओ ने बताया कि निलंबित सिपाही मानसिक रूप से अस्वस्थ है। उसने थाने में आवास न मिलने की समस्या बताई है। उसे पुलिस लाइन भेजा जा रहा है। इस प्रत्यय होने के कारण मैंने पूर्व में कप्तान साहब से मैंने कहा था कि श्रीमान जी मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, 15 दिन नहीं हुए आए, 2 साल बाद मैं घर से आया था, 2 साल 1 साल बाद पूर्व में कप्तान साहब ने निलंबित मुझको किया गया था। निलंबित करने के बाद फिर मुझको कप्तान साहब के सामने मैंने कहा कि गीता यादव मेरी वाइफ है, लव कुश यादव मेरा बच्चा है, वो पढ़ाई करा रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय में ड्यूटी करिए। न्यायालय की बात उन्होंने हरपालपुर से ही कहा कि हरपालपुर चले जाइए, और 1 हफ्ते नहीं हुआ, 1 हफ्ते में आदमी रास्ता नहीं ढूंढ पाता है। मुझको यहाँ कोई धरने में बैठे हैं, मुझको यहाँ ना कोई आवास मिला, कहाँ बच्चे रखे रोड में सो रहे थे, अब तक कहाँ सोएं, कहाँ खाएं, यहाँ आपको कोई व्यवस्था रहने की? कोई नहीं, कोई नहीं आवास दिया गया। मेरा बच्चा बैठा, मेरी पत्नी बैठी, मुझको कुछ नहीं दिया गया। यहाँ पे झूठ बोलता हो ये मोदी कहते हैं। तो अब आपको, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता यही हूँ कि मुझको आवास यहीं दिया जाए और मेरे बच्चे वहाँ रहे, बाकी मुझको कुछ ना दिया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.